नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर, हिंदी व्याकरण श्रृंखला। मित्रों, भाग चार आज आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले तीन भाग जिसमें काल किसे कहते हैं, विराम चिन्हों की जानकारी और मुहावरों के बारे में आपसे बात की, और अब चौथे भाग में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ संज्ञा व उसके प्रकार पर। संज्ञा के सभी भेद आज इस वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल रंग का बटन आपके सामने नज़र आ रहा होगा वीडियो के नीचे, और जो घंटी का बटन है उसे भी आप दबा लें। अब आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे और शेयर अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये वीडियो आगे पहुंचनी चाहिए तो शेयर भी आप कर देना। सबसे पहले बात करते हैं अब संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या धर्म और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो, और जिसका नाम है वो संज्ञा है। कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई स्थान, कोई अवस्था ऐसी नहीं जिसका नाम ना हो, और अगर उनका नाम है तो वो नाम संज्ञा है। इसी प्रकार से बहुत से गुण हैं, बहुत से उनके धर्म हैं, बहुत से भाव हैं जिनका नाम है, और अगर नाम है तो वो संज्ञा है। अब मैं आपके सामने एक तालिका लेकर आया हूँ, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, वस्तु के नाम लिखे हैं, स्थान के, जानवर के, भाव के, इसी प्रकार से किताब के, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, किसी शहर का नाम, वो सब क्या है? संज्ञा है। बच्चों, दोस्तों, ये वीडियो संज्ञा के बारे में है, इसीलिए एक छोटी सी पंक्ति मैं संज्ञा को लेकर के दो पंक्तियां आपके सामने सुनाना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि उसे सुनने के बाद आप कभी संज्ञा को नहीं भूलेंगे। तो वो पंक्तियां हैं, कोई संज्ञा जो पूछे तो, कोई सर्वनाम पूछे तो। अब इन पंक्तियों में मैं संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा या अर्थ आपको साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि आपसे कोई संज्ञा जो पूछे तो, कोई सर्वनाम पूछे तो, किसी का भी जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा की जगह पर जो कोई भी और शब्द आए उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। मुझे उम्मीद है इस कविता के माध्यम से, छोटी सी कविता के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के तीन भेद हैं, यानी तीन प्रकार की संज्ञाएं हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। पहली है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और तीसरी है भाववाचक। लेकिन आजकल कुछ विद्वान दो अन्य भेद भी संज्ञा के मानते हैं, जिनमें समुदायवाचक और द्रव्यवाचक विशेष रूप से वर्णनीय है। और आज लेकिन जो समुदायवाचक है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, तथा जो भाव जो द्रव्यवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इनको भी हम अलग से इस वीडियो में देखेंगे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जिस शब्द से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध हो, जातिवाचक है, यानी एक ही जाति के सभी प्राणियों वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे नगर है तो हर नगर का पता चल रहा है, नगर से किसी विशेष नगर का पता नहीं चल रहा, कोई भी नगर हो सकता है। ग्राम है तो कोई भी ग्राम हो सकता है, आपका गांव, मेरा गांव, मेरे दोस्त का गांव, मेरे पिताजी का गांव, आपके पिताजी का गांव, किसी का भी गांव, गांव गांव है। तो वो जो शब्द जिससे सभी प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा है वो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। वो कैसे? देखिए, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब गांधी जो शब्द है वो है तो जातिवाचक,
लेकिन यहाँ गांधी जी के साथ जब राष्ट्रपिता जुड़ गया भारत के, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, यानी यहाँ महात्मा गांधी जी की बात की जा रही है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात की जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब पटेल जी के साथ लोह पुरुष जुड़ा, तो यानी यहाँ पटेल जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। एक और सूचना, जो जातिवाचक है संज्ञा है वो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध हो, यानी सभी का नहीं किसी विशेष का, उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, अब हमें राम का पता उसके नाम से चलता है। श्याम, मोहन, ये सब व्यक्तियों के नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है, गीता एक विशेष पुस्तक का नाम है, और गंगा एक विशेष नदी का नाम है। यानी ये वो शब्द हैं जिनसे हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का विशेष का पता चलता है, सामान्य का नहीं, विशेष का। अब यहां भी कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। भारत में आज भी हरीशचंद्र विद्यमान है। अब यहां हरीशचंद्र वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ हरीशचंद्र से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जिनका संबंध किसी विशेष घटना से है। हरीशचंद्र जी का नाम आते ही सच्चाई का जिक्र सामने आ जाता है, तो वो अब एक जातिवाचक संज्ञा बन गई है। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, जयचंदों के कारण भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। जयचंद इतिहास का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पात्र है जिसका नाम गद्दारी के साथ जुड़ा है, धोखेबाजी के साथ जुड़ा है। तो जब कभी जयचंद किसी को कहकर के बुलाया जाएगा, तो यह जरूरी नहीं कि उसका नाम जयचंद हो, यह जरूरी उस समय यह भी भाव निकलता है कि कहीं ना कहीं जयचंद जो है वो गद्दार का एक तरीके से संबोधन है, एक तरीके से प्रतीक है। तो आज भी घर घर में विभीषण है, यहां भी विभीषण किसी व्यक्ति का नाम तो था, लेकिन यहां इस वाक्य में विभीषण से अभिप्राय एक जातिवाचक संज्ञा से है, एक ऐसे लोगों से के समूह से है जो विभीषण की भांति कार्य कर रहे हैं। और ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये मात्र एक वचन में होती है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, विशेषता, भाव, विचार, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो, यानी ऐसा शब्द जिससे किसी प्राणी के गुण का पता चले, उसके दोष का पता चले, उसकी किसी विशेषता का पता चले, किसी उसके भाव का पता चले। जैसे कोई व्यक्ति दयालु है, ये उसकी विशेषता है। कोई व्यक्ति इस समय दुख में है, ये उसका भाव है, दुख की अवस्था में है वो। स्वभाव कैसा है उसका, क्या वो चंचल स्वभाव का है। और सबसे बड़ी पहचान भाववाचक संज्ञा की, ऐसा शब्द जिसे हम छू ना सकें। जैसे यदि हम बात करें नींद, क्या नींद को छुआ जा सकता है? नहीं। अंधेरा, क्या अंधेरे को छुआ जा सकता है? नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। सफाई, क्या सफाई को छुआ जा सकता है? क्या गर्मी को, क्या मिठास को, क्या पीड़ा को छुआ जा सकता है? नहीं। ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये सारे शब्द भाव मात्र हैं, ये सारे शब्द केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। अगली बात इसके में इसमें यह है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो प्रायः एक, जो भाववाचक संज्ञा है क्षमा करें, वो एक वचन में ही होती है। जैसे नींद, उजाला, पढ़ाई, मित्रता, लेकिन कभी कभी यह बहुवचन में भी प्रयोग होती है। जैसे मैं इन दुखों से घबरा गया हूँ, दुख का दुखों बन गया। तो यहाँ पर विशेष रूप से हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो अंतिम दो भेद बचे हैं, एक है द्रव्यवाचक, यानी जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, बहुत साधारण है, जैसे सोना, कोयला, मिट्टी, नमक, चावल, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक में आएंगे। समूहवाचक की बात करें तो वो संज्ञा जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे कक्षा, बच्चों का समूह है, सेना, सैनिकों का समूह, टोली, मित्रों का समूह, झुंड, झुंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं, पंक्ति,
पंक्ति यानी कोई पंक्तिबद्ध खड़ा है उसमें भी समूह का बोध होता है। तो ये थे संज्ञा के कुछ भेद जो कि मैंने आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ पुनः जाते जाते एक बार आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर इस वीडियो को कर दें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही जो चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मैं आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण की, अंग्रेजी व्याकरण की एक सीरीज़ जो है वो लगातार चली हुई है, इसके साथ ही डेली मॉर्निंग डोज की सीरीज़ जो है वो चैनल पर लगातार चली हुई है, आज से शुरू हो गई है, और बहुत जल्द साधारण गणित पर भी एक सीरीज़ लेकर के मैं आ रहा हूँ। अतः अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षण से जुड़ी हुई, अध्यापक से जुड़ी हुई, छात्रों से जुड़ी हुई, अभिभावकों से जुड़ी हुई, साहित्य से जुड़ी हुई, यदि कोई भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई वीडियो से आप जुड़ना चाहते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।